खबर साहिबगंज से है, जहां झारखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण न दिए जाने के विरोध में आजसू पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार साहिबगंज जिला मुख्यालय के गांधी चौक में जिलाध्यक्ष चतुरानंद पांडे के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना में मौजूदा राज्य सरकार की नीति की निंदा करते हुए आजसू कार्यकर्ता हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई एवं साहिबगंज उपायुक्त के माध्यम महामहिम राज्यपाल को नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। वह जिला अध्यक्ष चतुरानंद पांडे ने कहा कि राज्य में निकाय चुनाव कराने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके तहत ओबीसी के आरक्षित विभिन्न स्तर के पदों को समाप्त किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। इससे पिछड़ा वर्ग में भारी रोष है। पिछड़ा वर्ग के इस रूप से प्रतिनिधित्व तथा भागीदारी के सवाल पर आजसू पार्टी लगातार आवाज उठाती रही है। वहीं चतुरानंद पांडे ने कहा कि झारखंड में ओबीसी की आबादी लगभग 51% है। अब अलग अलग कारणों से ओबीसी के आरक्षित सीटों को भी अनारक्षित किया जा रहा है, यानी पंचायत और नगर निकाय में प्रतिनिधित्व करने का जो भी मौका था उसे छीना जा रहा है। श्री पांडे ने कहा कि आजसू पार्टी राज्य के निकाय चुनाव में ओबीसी के हितों को लेकर सरकार के अविलंब हक और अधिकार सुनिश्चित करने की मांग करती रहेगी। आजसू पार्टी पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सुदेश कुमार महतो जी के निर्देश पर इस राज्य में जो ओबीसी की एक जो बड़ी आबादी है उसके साथ जो आज की जो वर्तमान सरकार है माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार चल रही है, वो आने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी के साथ सौतेला व्यवहार करने के विरोध में ओबीसी चुनाव नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के विरोध में आज पूरे प्रदेश में आजसू पार्टी इसका सरकार का विरोध कर रही है और यह मांग कर रही है कि 27% जो ओबीसी का हक है इस राज्य की जो बड़ी आबादी है उसको न्याय मिले और नगर निकाय चुनाव में उतना जो सीट है नगर निकाय चुनाव का उसमें आरक्षित किया जाए और उनको रिजर्वेशन के आधार पर नगर निकाय चुनाव किया जाए। ये मांग को लेके आज हम सभी आजसू के कार्यकर्ता आज धरना पर बैठे हुए हैं और ये सांकेतिक धरना राज्य सरकार की कान खोलने के लिए हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग की आवाज़ राज्यपाल तक पहुँचे। और आज हम लोग धरना के उपरांत एक मांग पत्र झारखंड के महामहिम राज्यपाल को माननीय अपने आदरणीय जो जिला के उपायुक्त हैं उनके माध्यम से हम लोग देने का काम करेंगे ताकि हमारी आवाज़ को राज्यपाल तक पहुंचाया जा सके और जो उचित मांग है उस पर सरकार ध्यान दे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।